हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द न्यू टॉपिक ऑफ पीडियाट्रिक्स। इट इज़ अबाउट द पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा मेडुलोब्लास्टोमा। देखिए, ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो कि चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा ये मिडलाइन ग्रोथ करता है, मिडलाइन सेरिबेलर ट्यूमर है ये, ठीक है, जो कि इन्फेंसी में होता है, मतलब इन्फेंसी के अंदर देखने को ज़्यादा मिलेगा। मिडलाइन है और फास्ट ग्रोइंग है, मैलिग्नेंट है तो फास्ट ग्रोइंग है, बहुत फास्ट ग्रो करता है, ठीक है। और इसका जो स्प्रेड रहेगा, अगर वो मान लीजिए क्रेनियो स्पाइनल स्प्रेड अलोंग विद द न्यूरेक्सिक्स, अगर न्यूरेक्सिस के साथ में इसका जो स्प्रेड रहता है, न्यूरेक्सिस के साथ में स्प्रेड अलोंग विद द न्यूरेसिस इज कॉमन एंड डेथ कैन अकर अर्ली। इसमें बहुत जल्दी डेथ भी हो सकती है अगर ये क्रेनियो स्पाइनल स्प्रेड है अलोंग विद न्यूरेक्सिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, मेडुलोब्लास्टोमा इज, दिस इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर इन चिल्ड्रंस। ओके, ये याद रखना है आपको। एंड एलिवेटेड एमनियोटिक फ्लूड एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इज यूज फॉर। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि किस चीज़ की डायग्नोसिस के लिए हम एमनियोटिक फ्लूड के अंदर एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज यूज करते हैं इन एमनियोटिक फ्लूड, और अगर वो हमको एलिवेटेड मिलता है तो ये किस केस को बताएगा। तो देखिए, यहाँ पे स्पाइनल डिसरैफिज्म को बताएगा ये, जैसे स्पाइना बाइफिडा है ना, और ये फ्रॉग साइन आएगा यूएसजी पे, क्या बताएगा ये, तो आप याद रखिएगा एलिवेटेड एमनियोटिक फ्लूड के अंदर, एमनियोटिक फ्लूड के अंदर एलिवेटेड एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, कोलिनेस्ट्रेज, ठीक है। तो अगर एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज की बात कर रहा हूँ, एमनियोटिक फ्लूड के अंदर ये बढ़ा हुआ आता है, तो हम किसमें इसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर अपन चेक करते हैं, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की डायग्नोसिस है यहाँ पे स्पाइनल, स्पाइनल डिसरैफिज्म को बताएगा ये, किसको बताएगा, स्पाइनल डिसरैफिज्म, ठीक है, रैफिज्म, तो स्पाइनल डिसरैफिज्म को बताएगा। देखिए, यहाँ पे हम स्पाइना बाइपिटा, क्या स्पाइना बाइफिडा अकल्टा देख सकते हैं, ठीक है, स्पाइना बाइफिडा अकल्टा। और इसके अलावा आपको स्पाइना बाइफिडा अकल्टा में क्या दिखेगा, यूएसजी पर फ्रॉग साइन, फ्रॉग साइन, मैंने आपको फ्रॉग आई साइन और कहीं भी बताया था, याद करिएगा, ठीक है। फ्रॉग साइन कहाँ दिखेगा, फ्रॉग साइन आपको दिखेगा ऑन यूएसजी, यूएसजी के केस में, अल्ट्रासाउंड पर स्पाइना बाइफिडा अकल्टा के केस में, ठीक है। देखिए, एलिवेटेड आता है अगर एमिनियो फ्लूड के अंदर एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, तो ये यूज किस लिए होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए, ठीक है। हम इसी को ऑलरेडी क्या बोलते हैं, विच आर ऑल्सो कॉल्ड स्पाइनल डिसरैफिज्म। ओके, याद रखिएगा, चाहे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलो या स्पाइनल स्पाइनल डिसरैफिज्म बोल दो, ठीक है। टेस्ट फॉर द एंटीनेटल डायग्नोसिस ऑफ स्पाइना बाइफिडा अकल्टा के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं हम, तो एंटीनेटल के लिए यूएसजी, यूएसजी पे क्या लिखेगा, फ्रॉग साइन, या फिर एमनियोटिक फ्लूड चेक करो आप, एमनियोटिक फ्लूड के अंदर एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये इस तरीके से है, स्पाइना बाइफिडा के लिए अगर आप यूएसजी का, देखिए एंटीनेटल दो तरीके से चेक कर सकते हैं, यूएसजी देन यू विल सी फ्रॉग साइन ऑन यूएसजी, या फिर एमनियोटिक फ्लूड एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज दैट शुड बी एलिवेटेड, ठीक है, एलिवेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मार्कर। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंड अल्फा फीटो प्रोटीन, ठीक है, बोथ आर द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मार्कर, ठीक है, बट ज्यादातर आपको चूज क्या करना है, अगर दोनों साथ हैं तो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, ठीक है। अब देखिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट विद मैक्सिमम वायबिलिटी कौन सा होता है, स्पाइना बाइफिडा अकल्टा, मैंने अभी आपको ये लिखवाया ना, स्पाइना बाइफिडा अकल्टा, ये स्पाइना बाइफिडा अकल्टा जो है इसके अंदर मैक्सिमम वायबिलिटी होती है, ठीक है, मैक्सिमम वायबिलिटी। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस एस पी ई इज कॉज्ड बाय, एस एस पी ई आपको पता होगा किसके द्वारा होती है, रूबियोला का द्वारा। देखिए, एक्चुअली एस एस पी ई इज कॉज्ड बाय, एस एस पी ई इज कॉज्ड बाय मीजल्स, मीजल्स, ओके, और इस प्रोसेस को हम ये कहेंगे रूबेला, रूबियोला, रूबियोला। एक्चुअली देखिए, रूबियोला का नाम सुनते ही आपके मन में आएगा कि इट कैन बी ड्यू टू रूबेला, बट ऐसा नहीं है, एस एस पी ई इज कॉल्ड कॉज्ड बाय मीजल्स, ठीक है, जिसको हम रूबियोला कहते हैं, ये रूबियोला के थ्रू होता है, ठीक है। देखिए,
एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि अगर दिस डिजीज कॉम्प्लिकेटेड ऑफ मीजल्स वायरस इज कॉल्ड रूबियोला, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन हो जाता है ना जब मीजल्स वायरस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तब हम उसे रूबियोला कहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स इज कॉल्ड रूबियोला, ठीक है। टीचर ऑफ SSPE क्या दिखेगा आपको, देखिए स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज होती है ये, करेक्टराइज्ड बाय द सीजर्स, प्रोग्रेसिव डिटोरियोशन, ठीक है, ऑफ कॉग्निटिव एंड मोटर फंक्शंस दोनों का, और विद डेथ आल्सो, ठीक है, डेथ कैन आल्सो अकर इन द अकरिंग इन 5 to 15 ईयर ऑफ आफ्टर द मीजल्स वायरस इन्फेक्शन, मीजल वायरस इन्फेक्शन के 5 से 15 साल के लगभग या उसके बाद डेथ हो सकती है, ठीक है। SSPE की बात करें तो मोस्ट ऑफन डेवलप इन अ पर्सन अफेक्टेड विद द मीजल्स वायरस एट द लेस देन 2 ईयर ऑफ एज, अगर 2 साल से कम की उम्र में ही हो गया तो SSP होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है इसके लिए, तो एंटीबॉडी टू द मीजल्स, CSF के अंदर एंटीबॉडी देखो आप मीजल्स में, मीजल्स की, और इसके अलावा ईजी कर लो, ईजी करोगे तो क्या शो करेगी ईजी, शार्प वेव कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड रेड मकर्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अगर आप ईजी करोगे तो क्या दिखेगा, शार्प वेव कॉम्प्लेक्स दिखेगा जिसे हम कहते हैं रेड मैचर्स कॉम्प्लेक्स, ओके, याद रखिएगा रेड मैचर्स कॉम्प्लेक्स EEG के अंदर दिखता है इन केस ऑफ रूबियोला या फिर रूबियोला, इन केस ऑफ रूबियोला और SSPE के केस में, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, रेड मैचर्स कॉम्प्लेक्स ऑन EEG, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस इज अ इनोसिन प्राबोनेक्स, ड्रग ऑफ चॉइस इनोसिन प्राबोनेक्स, ठीक है, इनोसिन प्राबोनेक्स इज यूज फॉर द SSPE, ठीक है, रूबियोला के केस में अगर SSPE हुआ है और EEG किया आपने तो शार्प वेव कॉम्प्लेक्स दिखा है जिसे हम रेड मैचर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, देन ड्रग ऑफ चॉइस इज इनोसिन प्राबोनेक्स, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए 1 साल का बच्चा है, 1 ईयर ओल्ड बेबी, ठीक है, ब्रॉट टू द बाय हिज मदर, ठीक है, उसकी मदर के द्वारा हॉस्पिटल लाया गया, कंप्लेन क्या है, सिस्टिक मास ऑन द बैक, ठीक है, एंड इनेबिलिटी टू मूव बोथ लेग, इजीली आप बता सकते हो अगर ये चीजें आ गई, सिस्टिक मास ऑन बैक, ठीक है, बैक, इनेबिलिटी टू मूव बोथ लेग, इन दैट केस व्हाट यू विल से, व्हाट इज देयर, देखिए मूव्स लेग नहीं कर पा रहा ओवर द सिंस बर्थ, ठीक है, फ्रॉम बर्थ, तो इस केस में डायग्नोसिस क्या होनी चाहिए, मेनिंगोमाइलोसिस इज द क्लियर कट डायग्नोसिस, क्या है, मेनिंगोमाइलोसील, ओके, ध्यान रखिएगा दिस इज द क्लियर कट डायग्नोसिस, ओके, मेनिंगोमाइलोसील इज अ क्लियर डायग्नोसिस, देखिए मेनिंगोमाइलोसिन जो होती है ये टाइप ऑफ स्पाइना बाइफिडा है ना, आप जानते हो ये स्पाइनल कैनाल डज नॉट क्लोज एट द बर्थ पे ही स्पाइनल कैनाल जो है वो क्लोज नहीं हुई, ठीक है, और ये टाइप ऑफ स्पाइना बाइफिडा ही है, ठीक है, इसको मेलिंगोमाइलोसील बोलते हैं। अच्छा मेलिंगोमाइलोसील एक तो था माइलोमेलिंगोसील, ठीक है, क्या था, या तो मेलिंगोमाइलोसील या फिर माइलोमेलिंगोसील, ऐसे कह सकते हो माइलोमेनिंगोसील, ठीक है, माइलोमेनिंगोसील ज्यादातर आपको इसी नाम से मिलेगा, माइलोमेनिंगोसील, ठीक है। अब देखिए जो एक होती है मेनिंगोसील इज फॉर्म्ड बाय द मेनिंजियस, ठीक है, इसमें क्या होगा, मेनिंजियस जो है हर्निएट हो जाएंगी थ्रू द डिफेक्ट ऑफ द पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्क, आपको पता है कि वर्टिब्रा ऐसे ऐसे बढ़ेगा और ऐसे क्लोज हो जाता है पूरा, ठीक है, ऐसे क्लोज हो जाता है पूरा, इस तरीके से पूरा क्लोज हो जाएगा, लेकिन अगर स्पाइना बाइफिडा है तो इस तरीके से ओपन रह जाएगा बैक में, क्लोज नहीं होगा, और अगर ओपन रह गया बैक में तो देखिए यहाँ पे जो होती हैं मेनिंजियस होती हैं, ये मेनिंजियस क्या करती हैं, इस तरीके से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से बाहर की तरफ प्रोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, मेनिंगोसील, क्या बन जाएगा, मेनिंगोसील, तो मैंने आपको बताया कि मेनिंगोसील इज हर्निएटेड, मेनिंजियस हर्निएट कर जाती हैं थ्रू द डिफेक्ट ऑफ पोस्टीरियर वर्टिब्रा आर्क, ओके। और देखिए स्पाइनल कॉर्ड इज यूजली नॉर्मल रहती है इन दिस केस, बट एंज्यूम नॉर्मल पोजीशन ऑफ द स्पाइनल कैनाल,
ठीक है, इन मैनिंगोसील के केस में जस्ट द मेम्ब्रेन एक्सटेंड थ्रू द मेम्ब्रेन एक्सटेंड हुई है, ठीक है, थ्रू आपने देख लिया थ्रू द स्पाइनल आर्क, ठीक है, वर्टिब्रल आर्क। देखिए व्हाइल द मेनिंगो माइलोसील की, अगर माइलो मेनिंगोसील की बात करूं तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो पुश्ड थ्रू द होल विद इन द सैक ऑफ मेनिंजियस, ठीक है, मेक्स द एक्सटेंडिंग थ्रू द ओपनिंग। इसमें क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड भी ऊपर की तरफ बल्ज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ठीक है, ओनली मेनिंजियस जो है मेनिंगोसील के अंदर केवल मेनिंजियस ऊपर की तरफ हर्निएट हुई है, लेकिन अगर माइलो मेनिंगोसील की बात करें तो उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड भी हर्निएट हो जाएगी, ठीक है, वो भी बाहर आ जाएगी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मेलिंगो माइलोसील, माइलो मेलिंगोसील एंड मेनिंगोसील, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस बड़ा नहीं है, आप आसानी से इसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग द कंजेनाइटल हाइड्रोसिफेलस। देखिए मैं यहाँ कंजेनाइटल हाइड्रोसिफेलस की बात करूँ, हाइड्रोसिफेलस, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोसिफेलस के अंदर होता क्या है, जो ब्रेन है वो बड़ा हो जाएगा, ब्रेन का साइज कैसा हो जाएगा, ब्रॉड, क्यों हुआ, ड्यू टू इंक्रीज PSF या वाटर कंटेनिंग इन ब्रेन, एडिमा भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो ये होता क्यों है ऐसा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्टीनोसिस हो जाएगी, इसकी एक्वेडक्ट की, एक्वेडक्ट की स्टीनोसिस हो जाएगी, जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है, स्टीनोसिस ऑफ एक्वेडक्ट, हालांकि और भी कॉज हो सकते हैं बट मोस्ट कॉमनली यही कॉज देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किसका रहा, स्टीनोसिस ऑफ एक्वेडक्ट का। अब आपको पता है कि थर्ड वेंट्रिकल जो है, देखिए दो लेटरल वेंट्रिकल होंगे, एक थर्ड वेंट्रिकल होगा, थर्ड वेंट्रिकल से यहाँ से ये जो जगह है ये एक्वेडक्ट, सेरिब्रल एक्वेडक्ट होती है और ये फोर्थ वेंट्रिकल तक पहुँचती है, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल तक। तो अगर सेरिब्रल एक्वेडक्ट पे यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मतलब स्टीनोसिस हो गई, तो अब जो CSF बनेगा वो तो ब्रेन के अंदर फैलेगा ना, ऐसे ब्रेन के अंदर भर जाएगा, पूरा एडिमेटस हो जाएगा, और उसकी वजह से ब्रेन का क्या हो जाता है, हाइड्रोसिफेलस, सिफेलस मतलब ब्रेन, हाइड्रो मतलब स्वेलिंग, तो हाइड्रोसिफेलस ब्रेन हो जाता है सेरिब्रल एक्वेडक्ट के स्टीनोसिस की वजह से, स्टीनोसिस की वजह से। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। इसके अलावा इट कैन बी सीन टुगेदर स्पाइना बाइफिडा, ये चीजें आपको जो हाइड्रोसिफेलस है ये स्पाइना बाइफिडा के साथ भी दिख सकती है, बाइफिडा के साथ डेफिनेटली यू कैन सी, ठीक है, ब्रॉड फोरहेड होगा एंड वाइड ओपन एंटीरियर फॉन्टेनेल, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, वाइड एंड ओपन एंटीरियर फॉन्टेनेल भी देखने को मिलेगा हाइड्रोसिफेलस के केस में, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए मोस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो हाइड्रोसिफेलस इज नॉट अ स्पेसिफिक डिजीज, ये कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं है, रादर रिप्रेजेंट अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ द कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम द इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ CSF इनटू द ब्रेन, है ना, क्या हो रहा है, एंड एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड हो गया ना, एब्जॉर्प्शन ब्रेन जो जो नॉर्मली एब्जॉर्प्शन होता था CSF का वो अब नहीं हो रहा, इम्पेयर्ड हो गया, या स्टीनोटिक की वजह से हो सकता है, तो कॉज कोई भी हो सकता है। कंजेनाइटल हाइड्रोसिफेलस इंप्लाइज हाइड्रोसिफेलस इज द प्रेजेंट एट बर्थ ऑल्सो, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज की बात करें देन मैंने आपको बता दिया है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कंजेनाइटल हाइड्रोसिफेलस इज द एक्वेडक्टल स्टीनोसिस, ओके, अदर कॉजेज ऑल्सो कैन बी देयर विद द कंजेनाइटल हाइड्रोसिफेलस कैन बी ऑल्सो लाइक डैंडी वॉकर सिंड्रोम, ठीक है, अर्नोल्ड चियारी माल फॉर्मेशन, डैंडी वॉकर सिंड्रोम, अर्नोल्ड चियारी माल फॉर्मेशन, और इसके अलावा टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड साइटोमेगालोवायरस ऑल्सो कैन कॉज कंजेनाइटल हाइड्रोसिफेलस, सो प्लीज डोंट फॉरगेट अबाउट इट। नाउ वी शुड नो अबाउट द सम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो ये क्या क्या हो सकते हैं कंजेनाइटल हाइड्रोसिफेलस के केस में, व्हाट टाइप ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यू कैन सी, एन एक्सीलरेशन, एन एक्सीलरेटेड रेट ऑफ द एनलार्जमेंट ऑफ फोरहेड, ठीक है, दैट दिस इज अ मोस्ट प्रोमिनेंट साइन, क्या दिखेगा आपको कि जो फोरहेड का फोरहेड विल इंक्रीज साइज में, ठीक है, इंक्रीज फोरहेड इन साइज, ठीक है, साइज में फोरहेड काफी बढ़ जाएगा, एंड एंटीरियर फॉन्टेनल वाइड एंड ओपन एंड बल्जिंग ऑल्सो यू कैन सी देयर बल्जिंग एंड द स्कैल्प वेन्स ऑल्सो डायलेटेड, क्या क्या मिल सकता है आपको भाई, एंटीरियर फॉन्टेनल ओपन तो मिलेगा लेकिन वहां से बल्जिंग भी हो जाएगी, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, जो आपका वेन्स होती है स्कैल्प में दैट कैन बी डायलेटेड, ओके, स्कैल्प वेन कैसी दिखेंगी, डायलेटेड दिखेंगी,
फोरहेड ब्रॉड होगा, आई में भी डेविएट डाउनवर्ड बिकॉज बिकॉज ऑफ इम्पेजमेंट ऑफ द डायलेटेड सुप्रा पीनियल रेसिस ऑन द टैक्टम दैट कैन प्रोड्यूस प्रोड्यूसिंग द सेटिंग सम आई साइन. ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेटिंग सम आई साइन, सेटिंग सन आई साइन. सेटिंग सन आई साइन आपको कहाँ दिखेगा, हाइड्रोसेफेलस के केस में. ठीक है, क्यों दिखता है, क्योंकि बोथ आईज डेविएट डाउनवर्ड, आईज डेविएट डाउनवर्ड. ठीक है, डाउनवर्ड. तो इस तरीके से आप हाइड्रोसेफेलस के केस को समझ सकते हो. मोस्ट कॉमन कॉज इज स्टेनोसिस ऑफ एक्वेडक्ट, बाकी डेंडीबोकर सिंड्रोम, अर्नोल्ड चियारी मालफॉर्मेशन, टॉक्सोप्लाज्मोसिस और सीएमबी जैसे कॉजेज भी देखने को मिल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंटिन्यूस प्रोफोलैक्टिक एंटी कन्वल्जेंट थेरेपी इज नॉट नीडेड इन अ चाइल्ड विद फिब्रिलाइड कन्वल्जेंस. सिंपल सी बात है कि एक बच्चे को फिब्रिलाइड कन्वल्जेंस है. ठीक है, फिब्रिलाइड फिब्राइल कन्वर्जेंस, लेकिन फिब्राइल कन्वर्जेंस के केस में हम एंटी कन्वल्जेंट थेरेपी क्यों नहीं देते, क्यों जरूरत नहीं होती, ऐसा कौन सा केस है. तो वो होता है टिपिकल सिंपल फिब्राइल फिट्स, टिपिकल सिंपल फिब्राइल, टिपिकल सिंपल फिब्राइल फिट्स. ठीक है, इसके अंदर हमें ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं होती. क्यों नहीं होती, देखिए टिपिकल फिब्राइल सीजर्स आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर्स इन चिल्ड्रन. ठीक है, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंटरमिटेंट प्रोफिलेक्सिस आपको क्या देना चाहिए, विद ओरल डाइजापाम इज रिक्वायर्ड. ठीक है, बट इन केस ऑफ ए टिपिकल फिब्राइल सीजर कंटिन्यूस प्रोफिलेक्सिस इज रिकमेंडेड. ठीक है, बट टिपिकल सिंपल फिब्राइल फिट्स के अंदर आप नहीं दे सकते. ठीक है, ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती. टिपिकल और सिंपल फिब्राइल फिट्स डेफिनेटली नो नीड टू द ट्रीटमेंट बिकॉज ये एक उम्र के बाद अपने आप ही ठीक हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन अगर इसी की जगह पर मान लीजिए आप कि टिपिकल फिब्राइल सीजर होता है, क्या होता है, टिपिकल फिब्राइल सीजर, फिब्राइल सीजर, देन व्हाट यू विल डू, डाइजापाम लोराजेपाम. ठीक है, ये सारी टेबलेट आप दे सकते हो, ओरल चलेंगी, ये ओरल डाइजापाम चलेगी. ठीक है, ओरल डाइजापाम. जबकि अगर एटिपिकल फिब्राइल सीजर से डेफिनेटली कंटिन्यूस प्रोफिलेक्सिस इज रिकमेंडेड. ओके, तो यहाँ पे क्या चलेगा, ओरल डाइजापाम. ठीक है, ओरल डाइजापाम इज वेरी यूजफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा है डायग्नोस्ड विद एच इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस. बच्चे को क्या है, एच इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस. ठीक है, एच इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस. व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी डन बिफोर द डिस्चार्जिंग हिम फ्रॉम द हॉस्पिटल. अगर इन्फ्लुएंजा, एच इन्फ्लुएंजा की वजह से मेनिंजाइटिस हुई है, आपका पेशेंट अब ठीक है, लेकिन यू वॉन्ट टू, देखिए बच्चा है, अब आप उसे डिस्चार्ज करना चाहते हो, तो कौन सा ट्रीटमेंट ऐसा है जो आपको करना चाहिए, दैट शुड बी बेरा. ठीक है, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री. क्यों करना चाहिए ये, क्योंकि अगर किसी बच्चे को एच इन्फ्लुएंजा की वजह से मेनिंजाइटिस होती है, अगर मान लीजिए किसी भी बच्चे को एच इन्फ्लुएंजा की वजह से मेनिंजाइटिस है ड्यू टू हाई इंसिडेंस ऑफ डी फ्लैश. ठीक है, पोस्ट एच इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं हियरिंग लॉस के, डीफनेस के, डीफनेस के. ठीक है, हियरिंग लॉस के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं. ठीक है, इसलिए जरूरी है कि आप बेरा करके उसको भेजो. ठीक है, देखिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंगो एंसेफेलाइटिस चिल्ड्रंस में क्या है, एंटेरोवायरस. मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंगो एंसेफेलाइटिस कॉज्ड बाय मोस्ट कॉमनली एंटेरोवायरस. कॉमनेस्ट कॉज है एंटेरोवायरस. ठीक है, किसका किसका कॉमनेस्ट कॉज है, ये मेनिंगो एंसेफेलाइटिस. किसका है, मेनिंगो एंसेफेलाइटिस. ठीक है, तो मेनिंगो एंसेफेलाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एंटेरोवायरस. प्लीज डोंट फॉरगेट इट. इसके अलावा कौन से कौन से कॉजेज हो सकते हैं,
कोकासाकी वायरस, इको वायरस स्प्रेड मेनली बाय द माउथ टू माउथ ट्रांसफर। कोकासाकी और इको वायरस कैसे स्प्रेड करते हैं? माउथ टू माउथ ट्रांसफर होता है इनका, कोकासाकी वायरस और इको वायरस का, फॉर एग्जाम्पल बाय किसिंग। ठीक है, माउथ टू माउथ ट्रांसफर होगा किसका? कोकासाकी वायरस एंड इको वायरस का। अच्छा, इसके अलावा मेनिंगो एनसेफेलाइटिस एंटेरो वायरस इज मोस्ट कॉमन। कोकासाकी वायरस और इको वायरस भी कर सकते हैं और मेनली ये स्प्रेड होते हैं माउथ टू माउथ। इसके अलावा फ्लेवी वायरस, वेस्ट नाइल वायरस और जापानीज बी एनसेफेलाइटिस, ये भी तो करते हैं। जापानीज एनसेफेलाइटिस नाम ही इसलिए बिकॉज इट कॉज एनसेफेलाइटिस। ठीक है, मेनिंगो एनसेफेलाइटिस इसलिए जापानी बी एम एनसेफेलाइटिस याद रखना, और वेस्ट नाइल वायरस और फ्लेवी वायरस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हर्पीस वायरस भी कर सकता है। मीजल्स एंड मम्स ऑल्सो कैन कॉज मेनिंगो एनसेफेलाइटिस। मीजल्स और मम्स ऑल्सो कैन कॉज मीजल्स और मम्स भी मेनिंगो एनसेफेलाइटिस कर सकते हैं। ठीक है, हर्पीस वायरस भी कर सकता है, फ्लेबी वायरस जिसके अंदर वेस्ट नाइल वायरस, फ्लेबी वायरस, वेस्ट नाइल वायरस और जापानीज बी एनसेफेलाइटिस याद रखिएगा, और कोकासाकी और ईको जो कि माउथ टू माउथ ट्रांसफर होते हैं बाय किसिंग, कोकासाकी और ईको बाय किसिंग इट कैन बी ऑल्सो कॉज मेनिंगो एनसेफेलाइटिस। और एंटेरो वायरस तो कॉमनेस्ट कॉज है ही मेनिंगो एनसेफेलाइटिस का। ठीक है, ट्रीटमेंट फॉर द रोलैंडिक एपिलेप्सी, देखिए यहाँ पे हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, किसकी? रोलैंडिक एपिलेप्सी। तो रोलैंडिक एपिलेप्सी में आप ट्रीटमेंट क्या दोगे? डेफिनेटली कार्बामेजिपिन इज अ ट्रीटमेंट, कार्बामेजापिन ट्रीटमेंट है इसका रोलैंड एपिलेप्टी का। ठीक है, रोलैंड एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट क्या है? कार्बामेजिपिन। देखिए रोलैंडिक एपिलेप्सी और बिनाइन एपिलेप्सी ऑफ चाइल्ड, चिल्ड्रंस में होगी, ये चाइल्डहुड में होती है। ठीक है, रोलैंडिक एपिलेप्सी और बिनाइन एपिलेप्सी ऑफ द चाइल्डहुड विद सेंट्रो टेम्पोरल स्पाइक इज वन ऑफ द एपिलेप्सी सिंड्रोम ऑफ द चाइल्डहुड जिसकी गुड प्रोग्नोसिस होती है, जिसके अंदर क्या होता है गुड प्रोग्नोसिस देखने को मिलेगी। इट अकर इन चिल्ड्रंस एट द एज ऑफ 2 से 14 साल तक के बच्चों में होती है। अगर आप ईईजी करते हो तो सेंट्रो टेम्पोरल स्पाइक शो होंगे, क्या होंगे इसके अंदर? सेंट्रो टेम्पोरल स्पाइक ईईजी पे, सेंट्रल टेम्पोरल स्पाइक ईईजी करने पे कहाँ शो होंगे, किस केस में शो होंगे? डेफिनेटली रोलैंडिक एपिलेप्टी और बिनाइन एपिलेप्सी, दिस इज अ टाइप ऑफ सिंड्रोम इन चाइल्डहुड, 2 से 14 साल तक की उम्र में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और देखिए दिस डिसऑर्डर कैन अकर इन चिल्ड्रन विद पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री ऑफ द एपिलेप्सी। ठीक है, सीजर्स, द सीजर्स इज यूजली मैनिफेस्टेशन है, जब भी एपिलेप्सी होती है तो सीजर्स आर यूजली मैनिफेस्टेशन। और सीजर्स किस तरीके से? जैसे पार्शियल सीजर्स विद सोमेटोसेंसरी सिम्टम्स आर ऑफन कन्फाइंड ऑल्सो ऑन द फेस, टू द फेस। ठीक है, इसके अलावा ओरोफेरिंजियल सिम्टम्स कैन बी इंक्लूड लाइक टोनिक कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, गुटुरल नोज या गटरल सेकेंडरी जनरेशन, सेकेंडरी जनरलाइजेशन। ठीक है, कार्बामेजिपिन इज अ ट्रीटमेंट विच आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, कार्बामेजिपिन इज अ प्रेफर्ड ड्रग विच इज कंटिन्यू फॉर द एटलीस्ट 2 ईयर और अंटिल 14 to 16 ईयर ऑफ एज। ठीक है, कम से कम 2 साल तो चलना ही चाहिए कार्बामेजिपिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन ऑफ द हाइपर विटामिनोसिस। ठीक है, हाइपर विटामिनोसिस में क्या क्या हो सकता है? लॉस ऑफ हेयर। ठीक है, और क्या हो सकता है? जनरलाइज एक्सफोलिएशन। जनरलाइज एक्सफोलिएशन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा मसल पेन, ये सारी चीजें आपको किस में दिखेंगी? हाइपर विटामिनोसिस के केस, याद रखिएगा हाइपर विटामिनोसिस के केस में ये चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेनेटिक इन पीडियाट्रिक्स। ओके, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो मैंने न्यूरोलॉजी बताया है इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स जरूर होंगे जो आपके काम के होंगे और आपको पसंद आए। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक जेनेटिक्स से शुरू करेंगे।